बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री श्रद्धालु ओंकारेश्वर नहीं आए, अपने निवास स्थान पर ही रहे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय प्रशासन ने लिया है, जिसका समर्थन नगरवासियों ने किया। बुजुर्गों का एवं बच्चों का ध्यान रखें, विशेष रूप से डायबिटीज या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित लोग। कोरोना वायरस 3 स्टेज पर है और अमावस्या पर लाखों लोगों का आगमन ओंकारेश्वर स्नान दर्शन के लिए होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ऐतिहासिक फैसला लिया। वहीं बता दें कि संक्रमण न फैले इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बता दें कि समस्त श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि ओंकारेश्वर यात्रा पर न जाए। न्यूज इंडिया N9 ओंकारेश्वर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से संक्रमण की बहुत अधिक संभावनाएं रहेंगी। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कल से ही स्नान के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा और मंदिर समिति का एक औपचारिक निर्णय होना बाकी है। मंदिर समिति के सदस्यों से चर्चा हो गई है कि हम लोग मंदिर में भी प्रवेश बंद करना चाहते हैं, ताकि सभी नागरिक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर हम उल्लास के किसी माहौल में फिर से मंदिर में एक बार एकत्र हो सकें। धन्यवाद। प्रसादालय के बारे में, प्रसादालय बंद हो जाएगा, आज शाम से ही प्रसादालय बंद। तो क्या आज बैठक में निर्णय लिया गया कि हम प्रतिबंध किया जाएगा? हाँ, इसमें बाहर से जो गाड़ियाँ आने वाली हैं, खासकर जो आउटसाइड स्टेट्स हैं और आसपास के क्षेत्रों से, और विशेष को दर्शन को लेके आ रहे हैं, तो हमारा ये प्लान है कि उनको यहाँ पर एंट्री करने से रोकेंगे, उनको डाइवर्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पर आना भीड़ भाड़ ना हो और किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके।